जय हिंद दोस्तों तो दोस्तों हम सितंबर मंथ के करंट अफेयर्स को कंटिन्यू करेंगे ठीक है तो आज हम पंद्रह क्वेश्चंस को देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन कहता है विद रेफरेंस टू दी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट तो दोस्तों आप यहाँ पर देखो इस स्कीम को दस साल कम्प्लीट हो चुके हैं दो में ये लॉन्च करी जाती है और आज दो चल रहा है ठीक है इसके बेसिक्स को जानो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जिसको आयुष्मान योजना के नाम से जाना जाता है दोस्तों यहाँ पर ना पाँच लाख रुपए का इलाज कराया जाएगा पर फैमिली ठीक है सरकार यहाँ पर ये यह प्रावधान इसके अंदर में देती है अब यहाँ पर हाल ही में अमेंडमेंट वगैरह करा गया था कि सत्तर साल की एज तक भी यहाँ पर इसके अंदर में इंक्लूड करे गए हैं तो यहाँ पर देखो ऑप्शन में क्या था इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम बिल्कुल ठीक है ये प्रोवाइड करती है फ्री कवर अप टू रुपीज़ फ़ाइव लैख एनुअली टू ऑल मेंबर्स ऑफ एलिजिबल फैमिली ये भी ठीक है फिर कहता है दिस कवर दिस स्कीम कवर सिटीजन अबव द एज ऑफ सिक्सटी ईयर्स देखो दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि साठ साल से ऊपर के बल्कि इससे कम वाले भी क्या है इसमें कवर करे गए तो दो स्टेटमेंट करेक्ट है हमारी वन एंड टू ठीक है तो हमारा आंसर हो जाएगा बी नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द टर्म कॉमन्स वॉज रिसेंटली इन द न्यूज़ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट तो देखो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कुछ ऐसी चीज़ें हमारे समाज में होती है जो कॉमन होती है वो सबके लिए यानी कि उसको पब्लिक भी यूज कर सकती है है ना वो प्राइवेट प्लेयर भी यूज़ कर सकते हैं गवर्नमेंट भी यूज़ कर सकती है जैसे एग्जाम्पल हो गए इसके फॉरेस्ट है ना जो हमारे पॉन्ड्स वगैरह लेक्स वगैरह होते हैं यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं इनको तो यहाँ पर कॉमन्स क्या है वो बताना है कहता है इट इज़ अ टर्म यूज़्ड टू रेफ़र टू रिसोर्स दैट आर ओन्ड बाई द गवर्नमेंट ये गलत हो जाएगी यहाँ पर कह रहा है कि जो ओनरशिप है वो गवर्नमेंट की होती है जबकि यहाँ पर कोई ओनरशिप नहीं होती यहाँ पर पब्लिक प्राइवेट गवर्नमेंट सब उसको यूज़ कर सकते हैं कहता है फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया होस्टेड अ डायलॉग ऑन द कंजर्वेशन रिस्टोरेशन एंड गवर्नेंस ऑफ कॉमन रिसोर्सेज ये स्टेटमेंट ठीक है दोस्तों इंडिया होस्ट कर रहा था मीटिंग जहाँ पर कॉमन रिसोर्स को कैसे कंजर्व कर सकते हैं ठीक है 2024 में पहली बार इंडिया ने होस्ट करी है मीटिंग फिर कहता है लोकल पॉइंट्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ द काम्स ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी ठीक यहाँ पर ये पार्ट होते हैं तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है हमारी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी तो दोस्तों यहाँ पर बी यानी कि सेकंड ओनली हमारा यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाएगा फिर कहता है व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ दीज प्लेसेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है है ना अब देखो आपको इसकी ऐसी ट्रिक बता दूंगा आप कभी इसको भूलोगे भी नहीं देखो जैसे ये क्या है ये कोई भी एक इंसान कह लो या बच्चा कह लो ठीक है ये देखो ये मैं इसके होटल बना रहा हूँ आप यहाँ पर देखो दोस्तों ये क्या है इस बच्चे के ये गाल है फिर आप ये देखोगे ये क्या है इसके होट हैं फिर आप इसके देखोगे ये इसके मतलब हाथ बना दिए अब मैंने इसके ये बना दिए पैर ठीक है तो देखो ये गाल हो गए ये होट हो गए ये इसके हो गए पैर ऐसे लिख लेते हैं पैर अब यहाँ पर देखो दोस्तों आप कैसे याद करोगे जैसे ये हमारा इंडिया का मैप हो जाएगा ठीक है आप ये समझो ये क्या हो गया हमारा कश्मीर वाला एरिया हो गया तो आप यहाँ पर देखो दोस्तों सबसे ऊपर यानी कि गलवान वैली गाल से गलवान कर लेना होट से यहाँ पर गागरा हॉट स्प्रिंग कर लेना पैर से आप कर लेना पेंगोंग सो लेक ठीक फिर उसके बाद में इन तीनों के बाद में आप हमको देखने को मिलता है डैम चौक यानी कि डैम चौक लेक तो आप यहाँ पर देखो सबसे सब ऊपर क्या गलवान वैली फिर गागरा हॉट स्प्रिंग पेंगोंग सोलेक फिर डैम चौक तो ये नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में इस क्रोनोलॉजी में याद कर लेना तो नॉर्थ टू साउथ कहता पेंगोंग गागरा होट डैमचौक पेंगोंग यानी कि पैर हो गए ये पैर हो गए ये होट हो गए तो यानी कि साफ साफ पता लग रहा है दो के बाद में एक आएगा और दमचौक वो सबसे आखिरी का जगह तो दो एक तीन यानी कि हमारा आंसर कितना ईजी ए हो गया फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है होलोंगर गिबन सेंचुरी वॉज न्यूज़ में थी ड्यू टू ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन ड्रिलिंग इन द इको सेंसिटिव जोन द सेंचुरी लोकेटेड इन तो दोस्तों ये हमारा इंडिया का मैप हो जाएगा इधर नॉर्थ ईस्ट का हो जाएगा यहाँ पर आप देख रहे हो असम यहाँ पर क्या देखने को मिलती है हमको होलोंगापर गिबन सेंचुरी देखने को मिलती है यहाँ पर ऑयल और गैस की डिस्कवरी मतलब एक्सप्लोरेशन करा गया था नेक्स्ट कहता है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सिटी नेम्स देखो दोस्तों यहाँ पर क्या है कुछ सिटी के नाम दे रखे हैं और यहाँ पर री नेम ठीक है इसमें से बताना है कौन सा पेयर करेक्टली मैच है देखो उस्मानाबाद को बोला जाता है धारा उस्मानाबाद का नाम बदल के कर दिया धाराशिव होशंगाबाद को कह रहा है अटल नगर ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत है होशंगाबाद को बोला जाता है नर्मदापुरम फिर कहता है औरंगाबाद औरंग औरंगदे औरंगाबाद औरंगजेब क्या बता रहा है नर्मदापुरम ये गलत औरंगाबाद का दोस्त हो जाएगा छत्रपति संभाजी नगर फिर पोर्ट ब्लेयर का श्री विजयपुरम ये स्टेटमेंट ठीक हो जाएगी देखो जो श्री विजयपुरम है देखो चोल एम्पायर के टाइम पीरियड की बात थी नाइन्थ और टेंथ ए में तो यहाँ पर जो चोल एम्पायर का राजा होता था राजेंद्र वन इसने क्या करा साउथ ईस्ट एशिया पर अटैक करा यानी कि इंडोनेशिया पर अटैक करा वहाँ पर राजा होता था विजया तो इसको जब हरा दिया तो इसलिए इसको बोला जाता था श्री विजयापुरम तो इसलिए पोर्ट ब्लेयर का नाम कर दिया श्री विजयापुरम तो यहाँ पर वन एंड फोर्थ वाला क्या है हमारा करेक्ट हो जाएगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कहता है विद रेफरेंस टू द ग्रेट स्तूप ऑफ साची कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना साची स्तूप कौन से इस्टेट में देखने को मिलता है पहला कहता है ऑप्शन इसको कमीशन करा गया था थर्ड सेंचुरी में एम्प्रर अशोका के द्वारा बिल्कुल करेक्ट है कहता है ये लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर है कॉम्प्लेक्स है बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट का यहाँ पर हमको और भी अदर स्तूप टेम्पल और मोनेस्ट्रीज देखने को मिलती है सांची में ये स्टेटमेंट करेक्ट है देखो दोस्तों जो स्तूप होते हैं ना उसमें क्या होता है जो बुद्धिज्म यानी कि जो एक तो गौतम बुद्ध हो गए प्लस जो बुद्धिस्ट मोंक होते हैं जो इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट मोंक है उनके रेलिक्स यानी कि अवशेष यहाँ पर स्तूप में लगाए जाते हैं फिर यहाँ पर स्तूप बना दिया जाता है और सबसे पुराना स्तूप सबसे पहले किसने बनाया था एम्प्रर अशोका ने बनाया था तो करेक्ट क्या दोनों स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ दियर क्रोनोलॉजी देखो यहाँ पर क्रोनोलॉजी में बता रहा है कह रहा है वन टू थ्री एग्रीमेंट साइंड होता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ठीक है साइंड बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड इंडिया ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है ये होता है देखो 2006 में इंडिया का और अमेरिका का दोस्तों यहाँ पर न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट होता है है ना तो ये 2006 की बात है फिर 26 ग्यारह मुंबई टेरर अटैक 2008 की बात है 9 ग्यारह ये अमेरिका पे 2001 की बात है क्रोनोलॉजी में बताना है तो दोस्तों तीन एक दो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर गायब हो गया तो तीन एक दो हमारा बी इसके अंदर में आंसर हो जाएगा फिर कहता है विद रेफरेंस टू द आउटर स्पेस ट्रीटी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट देखो दोस्तों आउटर स्पेस ट्रीटी ना 1967 में बनाई जाती है नाम से पता चल रहा है आउटर स्पेस यानी कि स्पेस में कौन जाएगा जैसे ये अर्थ हो गई ऐसे समझो जैसे ये सन हो गया ठीक है मरकरी वीनस अर्थ यहाँ पर मार्स ये एस्ट्रॉयड बेल्ट हो गई हमारी इस तरफ फिर यहाँ पर देखने को मिलता है जूपिटर सैटर्न यूरेनस नेपच्यून फिर यहाँ पर काइपर बेल्ट वो हो गई तो दोस्तों अर्थ के बाहर बाहर अगर हमको कहीं पे भी जाना है इस स्पेस में जाना है तो ये ये जो स्पेस वाला एरिया है ये सबके लिए कॉमन एरिया है लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए नाइनटीन सेवन नाइनटीन सिक्सटी सेवन में ट्रीटी बनाई जाती है आउटर स्पेस ट्रीटी तो दोस्तों यहाँ पर ये बताया गया कि अगर सरकार यानी कि स्टेट एजेंसी सरकारी एजेंसी वहाँ पर जाएगी कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर किसी देश का प्राइवेट प्लेयर एजेंसी जैसे अमेरिका के अंदर में प्राइवेट प्लेयर कौन हो गया स्पेस एक्स हो गए इलोन मस्क की तो यहाँ पर ये यह बोलता है अगर किसी को प्राइवेट प्लेयर में प्राइवेट प्लेयर को स्पेस में जाना है तो जो आउटर स्पेस ट्रीटी के अंदर में देश पार्टिसिपेट करता है और उस देश की सरकार से उसको मंजूरी लेनी होगी अगर कोई भी एक्सप्लोरेशन वगैरह करना है तो तो आउटर स्पेस ट्रीटी के अंदर में एक आर्टिकल है जहां पर ये बताया गया है कि अगर प्राइवेट प्लेयर कोई है वो स्पेस में जाना चाहता है तो उस देश की सरकार से क्या है परमिशन लेगी यानी कि स्पेस एजेंसी से परमिशन लेगी ठीक है अब कहता है ये इट एंटर्ड इनटू फोर्स ड्यूरिंग द पीक ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकंड एंड प्रोवाइड द बेसिक फ्रेमवर्क ऑन इंटरनेशनल स्पेस लॉ दैट रिमेन्स इन प्लेस टू डेट गलत हो जाएगी वर्ल्ड वॉर टू नहीं दोस्तों कोल्ड वॉर का टाइम पीरियड चल रहा था उन्नीस से लेकर के उन्नीस के बीच में ठीक फिर क्या था एज पर वन ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ द ट्रीटी द एक्टिविटीज़ ऑफ नॉन गवर्नमेंटल एंटिटीज इन आउटर स्पेस शेल रिक्वायर ऑथराइजेशन एंड कंटिन्यूइंग सुपरविजन बाय द अप्रोप्रिएट स्टेट पार्टी टू द दिटी ए स्टेटमेंट करेक्ट है तो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था अंडमान आईलैंड वर यूज एज अ स्ट्रेटेजिक नवल बेस बाई इलेवेंथ सेंचुरी एक्स टू कैरी आउट एंड अटैक ऑन श्री विजिया विच इज इन प्रेजेंट डे इंडोनेशिया दोस्तों अभी आपको बताया अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की जो कैपिटल है उसका नाम पहले होता था पोर्ट ब्लेयर इसका नाम बदल के कर दिया श्री विजयापुरम ठीक है तो श्री विजयापुरम कौन होता था इंडोनेशिया के अंदर में राजा होता था तो इंडिया की तरफ से जो राजेंद्र वन चोल एम्पायर का ग्यारहवीं शताब्दी में इसके ऊपर हमला करता है इसको हटा देता है फिर इस वजह से क्या देखने को मिलता है हमको ये कहानी देखने को मिलती है तो एक्स कौन है वो चोल एम्पायर का राजा राजेंद्र वन है फिर कहता है विद रेफरेंस टू हीलियम गैस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट दोस्तों आपने पढ़ा होगा जैसे पीरियोडिक टेबल है ना हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बैरिलियन बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरियन नियोन ये इस तरीके से हाइड्रोजन नंबर वन पे हीलियम सेकंड नंबर पे हाइड्रोजन सबसे लाइट गैस है फिर उसके बाद हीलियम फिर उसके बाद में देखो ऐसे क्या है लाइटेस्ट गैस देखने को मिलती है ठीक है हीलियम गैस के बारे में बात करता है स्टेटमेंट पढ़ता है कहता है इट इज़ द इनर्ट गैस देखो आपने पढ़ा होगा कि एथ नंबर का टेबल होता है यहाँ पर यानी कि दो फिर दसवें नंबर पे है ना हीलियम ली ऐसे करके ये क्या है इनर्ट गैस है और लाइटेस्ट एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में इनर्ट गैस तो है ये लेकिन लाइटेस्ट एलिमेंट नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन सबसे लाइट है फिर कहता है मैनी इसरो के जो बहुत सारे जो इसरो के मिशन, मिशन है वो अफेक्ट हो जाते हैं क्योंकि लीक हो जाता है इस रोग में देखो जो ये हीलियम है ना दोस्तों ये बहुत क्या है एक तरीके से लाइट वेट है इसका है ना और लाइट वेट होने की वजह से क्या देखने को मिलता है इसमें इस स्मॉल साइज़ गैस का बहुत छोटा साइज़ है तो अगर जैसे कोई भी ऐसे समझो जैसे ये रॉकेट है रॉकेट के अंदर में क्या है अगर ये नट बोल्ट वगैरह है तो इसमें से भी क्या है लीक हो जाती है तो आप यहाँ पर देखो जैसे अभी क्या है नासा के दो साइंटिस्ट फंसे पड़े हैं ये स्पेस स्टेशन में ठीक अब वो अगले साल फेबररी में आएंगे सुनीता विलियम्स और विलमोर करके तो यहाँ पर क्या वहाँ पर भी यही सेम केस देखने को मिला हीलियम गैस लीक यानी कि टेक्नोलॉजिकल फेलियर की वजह से यानी कि लीक वगैरह हो गया इसकी वजह से वो मिशन रुक गया तो ऐसे इन लीक्स की वजह से भी इसरो के बहुत सारे मिशन ख़राब हुए हैं जैसे चंद्रयान टू में भी क्या है कुछ दिक्कत देख तो देखने को मिली फिर क्या था इट इज़ प्रोन टू लीक्स बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल एटोमिक साइज एंड लो मोलिकुलर वेट बिल्कुल ठीक है इट इज़ वेरी इट्स वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट इज़ वन ऑफ द रीजन फॉर इट्स यूज इन रॉकेट गलत दोस्तों माइनस दो डिग्री सेल्सियस तक भी हम इसको यूज़ करते हैं एक तरीके से फ्यूल मतलब स्टोर करने के लिए है ना तो इसका बहुत ज़्यादा लो बॉइलिंग पॉइंट होता है लो मतलब 260 डिग्री तक भी इसका कुछ भी बिगड़ता नहीं है तो कहता है यहाँ पर कौन से स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है दो स्टेटमेंट सही है दो स्टेटमेंट गलत है तो ओनली टू हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा फिर कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन विद रेफरेंस टू द बैटल ऑफ सारागढ़ी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट दोस्तों अक्षय कुमार की भी मूवी आई थी पहले बैटल ऑफ सारागढ़ी एटीन की बात है इक्कीस सिख सोल्जर्स यानी कि इक्कीस सरदार जी थे और आठ दस हजार क्या थे सेना थी सामने यह उनसे लड़ जाता है इक्कीस सोल्जर वो आपने डायलॉग सुना होगा ना कि कि वो बाज लड़ावा ऐसे करके बोला जाता है तो वो ऐसे ही वो यहीं से आया था कि इक्कीस सोल्जर ने दस हज़ारों को धक मतलब इतनी तगड़े तरीके से लड़ाई लड़ी थी कि इनके छक्के छुड़ा दिए थे है ना तो ये बैटल ऑफ सारागढ़ी एटीन में देखने को मिलती है क्या था इट वॉज द रिवोल्ट अगेंस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी ओवर ऑपरेशन बाई रिवेन्यू ऑफिशियल ज़मींदार्स एंड करप्ट मनी लैंडर्स गलत दोस्तों यहाँ पर जैसे जो अफ़ग़ानी वगैरह या फिर जो ये मिलिटेंट्स वगैरह होते थे ये उनके अगेंस्ट सरदारों की लड़ाई थी फिर क्या था जो सीड यानी कि जो बीज बोया गया था इस रिबेलियन का वो हमको 1832 में देखने को मिलता जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था दामिन ए कोह रीजन इन द फॉरेस्टेड बेल्ट ऑफ राजमहल हिल्स गलत एट्टीन में ये युद्ध देखने को मिला था करेक्ट कोई भी नहीं है और यहाँ पर करेक्ट पूछा है तो हमारा आंसर डी हो जाएगा नीदर वन नॉट टू नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कहता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट गिव एनी लैंग्वेज द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज बिल्कुल ठीक है दोस्तों देखो आप ऐसे समझो जो हमारा आर्टिकल थ्री फोर्टी थ्री है वो लैंग्वेज से डील करता है हमको दो तरीके से लैंग्वेज देखने को मिल सकती है एक है नेशनल लैंग्वेज नेशनल लेवल पर हमारी कोई भी लैंग्वेज नहीं रखी गई ठीक है नॉर्थ इंडिया की बेल्ट मेजर हिंदी बोलती है सदर्न इंडिया की बेल्ट इंग्लिश वगैरह बोलती है है ना तो दोस्तों आप यहाँ पर देखोगे कि हिंदी और इंग्लिश में क्या वाद विवाद देखने को मिलता है तो यहाँ पर इसलिए ना हिंदी को प्रेफर करा ना इंग्लिश को प्रेफर करा लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट में यहाँ पर क्या करा गया इसको ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्दा दर्जा दिया गया तो सेकंड स्टेटमेंट यही कहता है कि हिंदी जो देवनागरी स्क्रिप्ट में वो ऑफिशियल लैंग्वेज है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द यूनियन की एज पर आर्टिकल थ्री फोर्टी थ्री तो ये स्टेटमेंट ठीक हो जाएगी फिर थर्ड पॉइंट कहता है द फर्स्ट हिंदी दिवस वॉज सेलिब्रेटेड प्री इंडिपेंडेंस वैन इन उन्नीस सौ अट्ठारह आर ग्रुप ऑफ हिंदी स्कॉलर्स एंड एक्टिविस्ट फॉर्म्ड द हिंदी साहित्य सम्मेलन हिंदी लिटरेरी कॉन्फ्रेंस टू प्रमोट द यूज़ ऑफ हिंदी एज अ नेशनल लैंग्वेज ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी देखो दोस्तों उन्नीस सौ अट्ठारह में क्या थे कुछ लोग इन्फ्लुशल लोग थे वो चाह रहे थे हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज वगैरह बनाए है ना मतलब हिंदी को प्रमोट करना चाह रहे थे ठीक फिर जब कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है तो चौदह सेप्टेम्बर नाइनटीन फोटी नाइन को पहली बार इसको मतलब बोला जाता है कि हाँ भैया हिंदी को हमारी क्या है ऑफिशियल लैंग्वेज होनी चाहिए तो 14 सितंबर 1949 से 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट करा जाता है तो करेक्ट स्टेटमेंट सिर्फ दो होंगी हमारी वन एंड टू वाली अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कहता है इट हैज अ कोर दैट इज मिस्टीरियसली ओवर साइज कंपेर्ड विद द रॉकी शेल सराउंडिंग इट वाटर आइस एग्जिस्ट ऑन इट सरफेस डिस्पाइट स्कॉर्चिंग एक्सपोजर टू द सन विदाउट एन एटमोसफेयर टू प्रोटेक्टेड द प्लैनिट हैज एन अनएक्सपेक्टेड मैग्नेटिक फील्ड है प्लानिट की क्या है मैग्नेटिक फील्ड है एंड इज रिच इन वॉलेटाइल्स एलिमेंट्स लाइक क्लोरीन है सल्फर है पोटेशियम है थॉट टू रेडिल इवेपोरेट ऑन प्लानिट्स विद हाई टेम्परेचर देखो हाई टेम्परेचर है इसका आ ज्वाइंट मिशन बिटवीन द यूरोपियन एंड द स्पेस जैपनीज एजेंसी है ना यूरोप और जैन का मिशन है विल गो इन टू ऑर्बिट अराउंड दिस प्लेनिट इन दो हज़ार छब्बीस तो यहाँ पर क्या रहा है कि इस पैराग्राफ में आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है कहता है द जॉइंट मिशन मैंशन अबब इज द पोलरिज डॉन मिशन गलत आपको बताया था दोस्तों पोलरिज डॉन मिशन क्या है यहाँ पर स्पेस वॉक करी जाएगी ठीक है वैन एलन बेल्ट के पास में और ये जो स्पेस एक्स की एजेंसी है वहाँ पर मतलब ये लॉन्च करेगी और यहाँ पर प्राइवेट मिशन है यहाँ पर बिलियन एयर ने पैसे दिए वहाँ पर वो घूम घाम के आएगा मतलब आ चुके हैं ऐसे ठीक है गलत हो गया फिर कहता है प्लैनिट रेफर टू अब इज वन ऑफ द जोवियन प्लानिट ये स्टेटमेंट गलत है दोस्तों आप यहाँ पर देखो आपको बताया कि जैसे सन फिर यहाँ पर आप देखोगे फिर उसके बाद में आप देखोगे दोस्तों चार प्लानिट यानी कि ये वाले देखो इन जो बाकी के चार प्लानिट है इनको जोवियन प्लानिट बोला जाता है इनको टेरिस्टीरियल प्लानेट बोला जाता है ठीक है और यहाँ पर मरकरी सबसे ज़्यादा पास है सबसे मतलब हम कह सकते हैं हाई टेम्परेचर इसका देखने को मिलता है और यूरोप और जापान का मिशन है कि वो 2026 में क्या है मरकरी पे भेजेंगे तो दोस्तों यहाँ पर क्या है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है हमारा डी यहाँ पर आंसर हो जाएगा फिर कहता है गॉड ऑफ केयर्स रिसेंटली न्यूज़ में था रिलेटेड टू फील्ड ऑफ एस्ट्रॉनमी न्यूरोसाइंस मॉनिटरी पॉलिसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोस्तों आपको पहले बताया कि एक एस्ट्रॉयड है एपोफिस है ना देखो आप यहाँ पर देखोगे जो ये एस्ट्रॉयड बेल्ट है यहाँ से एक एस्ट्रॉयड निकलता है जिसका नाम है एपोफिस होता है इस एस्ट्रॉयड को 2004 में फाइंड आउट करा जाता है यहाँ पर ये यह बताया अभी देखो ये बताया कि दो में ना ये बत्तीस किलोमीटर दूर से इंडिया के मतलब अर्थ से गुजरेगा ठीक है तो अर्थ क्या है हमारी यहाँ पर हो जाएगी इतने पास से गुजरेगा हो सकता है ये हिट भी कर दे लेकिन प्रोबेबिलिटी पहले 2.7 परसेंट के आसपास थी फिर ये आइडिया लगाया गया कि हो सकता है 2036 में भी यहाँ पर ये स्ट्राइक कर सकता है लेकिन नहीं ऐसा भी नहीं है अब बोला जा रहा है दो में हो सकता है ये स्ट्राइक कर दे ठीक है ऐसे साइंटिस्ट का अनुमान है तो इसको गॉड ऑफ के भी बोला गया एपोफिस को और एपोफिस किससे डील करता है एस्ट्रोनमी से तो ये आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या था मेजर जनरल एस ए एल एल्ड्रॉस क्या था मीर लायक अली एंड मेजर जनरल जयंतोनाथ चौधरी आर ऑल एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन हिस्ट्री तो दोस्तों आपने देखा होगा 1948 में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ऑपरेशन पोलो लॉन्च कराया गया था है ना ऑपरेशन पोलो में क्या था हैदराबाद को इंडिया का पार्ट बनाना था लेकिन ये जो हैदराबाद है ना ये अपना खुद का इंडिपेंडेंट देश घोषित करना चाह रहा था और यहाँ पर देखो जैसे ये इंडिया हो गया और हैदराबाद गया यहाँ पर बीच में तो लेकिन यहाँ पर क्या है मतलब इंडिया देश के अंदर में देश बनाना चाह रहा था तो ऐसा हुआ नहीं तो हैदराबाद में ना देखो कुछ ऐसे लोग थे जो इंडिपेंडेंट बनाना चाह रहे थे तो उन लोगों को बोला गया रज़ाकार्स और इन रज़ाकार को कौन लीड कर रहा था मेजर जनरल एल एड्रोस ठीक हैदराबाद के प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम था मीर लायक और मेजर जनरल जयंतो नाथ चौधरी ये इंडिया की तरफ से क्या है लीड कर रहे थे ऑपरेशन को लॉन्च कर रहे थे और बाद में जा कर के ये आर्मी चीफ भी बनाए जाते हैं तो दोस्तों ये ऑपरेशन पोलो से हमारा डील करेगा ऑपरेशन ब्लू स्टार किससे था इंदिरा गांधी ने गोल्डन टेम्पल के ऊपर करा था वो वाला ठीक है तो दोस्तों ये थे हमारे आज के पंद्रह क्वेश्चन दोस्तों वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें और यहाँ पर पीडीएफ अगर आप इस टेस्ट को ऑनलाइन देना चाहते हैं मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें प्रत्युषा करंट अफेयर्स लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है सो थैंक यू गाइज